हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पूर्व मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने श्री गणेश प्रतिमा पर फूल बरसाया। मुंबई से कपिल देव खरवार के साथ मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई कांग्रेस महासचिव संदीप शुक्ला के संयोजन में दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस की तरफ से स्वर राममिलन शुक्ला मार्ग सायन में श्री गणेश भक्तों का स्वागत कर उन्हें पानी बिस्कुट वितरित किया गया। 18वें श्री गणेश विसर्जन पर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायिका वर्षा गायकवाड़ ने मंच से श्री गणेश की मूर्ति पर फूल बरसाया। स्वर राममिलन शुक्ला परिवार के सभी सदस्यों के अलावा स्थानिक सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया। कांग्रेस के द्वारा सायन में आयोजित इस एकमात्र कार्यक्रम को श्री गणेश भक्तों का भारी प्रतिसाद मिला। इस मौके पर श्री सिद्धिविनायक तेरी महिमा है अपार भक्ति गीत को मिले अपार सफलता के लिए गायक और अभिनेता धर्मेंद्र खरवार का पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायिका वर्षा गायकवाड़ ने गणपति पट्टा और संदीप राममिलन शुक्ला ने गुलदस्ता से स्वागत किया। श्री गणेश विसर्जन मंच पर जिला अध्यक्ष हुकमराज मेहता, राजू गोसे, तुषार गायकवाड़, राकेश पांडे, दुर्गेश पांडे, कचरू यादव, नगर सेविका पुष्पा कोहली मामी, पूर्व नगर सेविका ललिता कचरू यादव, निलेश नानचे, शंकर खत्रे, मोहम्मद मुकीम शेख, सुभाष पिसाल, एडवोकेट संजीत राममिलन शुक्ला, नवीन कुमार सिलवंत, रीना प्रजापति, रेखा घेवारी, सुभाष पाठक, मल्हारी सकट, दिनेश ग काम्बले आदि मौजूद रहे। देर रात संदीप राममिलन शुक्ला ने वर्षा एकनाथ गायकवाड़ सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ताओं को गुलदस्ता और कांग्रेस पट्टा देकर उनका सम्मान किया। उक्त अवसर पूर्व मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी संदीप शुक्ला की तरह से यहाँ गणेश भक्तों के लिए स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, फूल बरसाया जा रहा है। आप ऐसे अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगी संदीप शुक्ला जी का, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है। गणेश जी का आगमन हो जाता है, फिर उनके बाद उनके विसर्जन के वक्त भी पूरी तरह से हम यही कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लवकरिया। और जिस तरह से एक माहौल रहता है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जितने बच्चे हैं पूरी फैमिली बाहर उतर के आई है, उनकी सुविधाओं को याद में रखते हुए पूरी तरह से पानी का बिस्किट का व्यवस्था पर यहाँ पे होता है, एक पूरा पवित्रमय मंगलमय वातावरण यहाँ पे होता है। और इसलिए मैं बहुत धन्यवाद दूँगी कि हर साल ये कार्यक्रम वो बहुत बहुत प्रयत्नों से करते हैं, प्लानिंग से करते हैं, और जिस तरह से एक माहौल है उत्साह का माहौल और एक तरह से जैसे मैंने कहा कि एक बहुत खुशनुमा माहौल यहाँ पे हम सब लोग देख रहे हैं। तो गणेश जी को मैं यहाँ से नमन करती हूँ, यही इच्छा व्यक्त करती हूँ इस जहाँ से महंगाई और बेरोजगारी कम हो जाए। अभी तक मैं दादा टिटी में गई हूँ, दादा टिटी में महेंद्रपुर निगर जी ने भी एक कार्यक्रम रखा है, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ साइन कोईवाड़ा जिसमें संदीप शुक्ला जी ने कार्यक्रम रखा है, अभी इसके बाद मैं धारावी में जाऊँगा। ताई को किन शब्दों में आभार व्यक्त करेंगे, स्वागत करेंगे? ये कार्यक्रम के प्रेरणा सूत्र हमारे सबके नेता इस जिला के माजी खासदार गायकवाड़ साहब से मुझे प्रेरणा मिली थी। आज 18वां साल है इस कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम के अवसर पे वर्षाताई ने आकर गायकवाड़ साहब की कमी पूरी की है, तुषार भाई आकर कहीं ना कहीं उन्होंने गायकवाड़ साहब की कमी पूरी की है, और गायकवाड़ साहब के बाद ताई का हमें पूरे अच्छे तरीके से मार्गदर्शन मिलता रहता है। और आप देख सकते हैं पब्लिक का जो हुजूम है, पब्लिक का जो कांग्रेस के प्रति प्रेम है, जो गणेश भक्तों का कांग्रेस के प्रति प्रेम है, वो आपको दिखाई दे सकता है। बस इसी तरीके से हम लोगों की सेवा करते रहें, यही हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। जी जी। वो ये, हाँ, जब तक एकनाथ गायकवाड़ साहब अपने हयात में थे, हाँ, तब तक वो पीछे जब भी मैं फोटो खींचता हूँ वो पीछे देखते थे संदीप पूरे हैं, संदीप बाबा पूरे हैं। तो जिस तरह से प्यार उन्होंने दिया आपको, क्या वो फैमिली उनके बाद किस तरह से वो प्यार दे रही है, ताई तुषार भाई, वो उन शब्दों में बताइए। गायकवाड़ साहब के लिए हर एक कार्यकर्ता उनके बच्चे जैसा है, चाहे वो संदीप शुक्ला हो, चाहे महेंद्र मुंगेकर हो, चाहे सुभाष पिसाड़ हो, चाहे तुषार जी हो, उनके लिए सब एक है। मुंबई कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके लिए एकदम प्रेम है। आपने सुना नहीं होगा, खाली संदीप को ही नहीं पूछते होंगे, वो सबको पूछते होंगे, एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते होंगे जी। और उसी तरीके का
जो रिस्पेक्ट है कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं गायकवाड़ परिवार से हमें मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मुंबई कांग्रेस भी हमारा साथ दे रही है। तुषार भाई मुंबई कांग्रेस के महासचिव हैं, तुषार गायकवाड़ जी, आप क्या कहेंगे अभी कार्यक्रम देखकर? तुषार भाई, आप संदीप शुक्ला जी के लिए क्या कहेंगे, जब उन्होंने कहा कि गायकवाड़ आफ्टर गायकवाड़, एकनाथ गायकवाड़ जी के बाद गायकवाड़ फैमिली उनके सिर पे पूरी तरीके से हाथ रखा है, वो कहां तक उन्होंने सही कहा? नहीं, संदीप जी तो हर बार एक अच्छा कार्यक्रम लेते हैं, और ये तो बहुत 8 सालों से कार्यक्रम ले रहे, जिससे कि गायकवाड़ साहब हमेशा आते रहे, हम लोग आते रहे, और जो लोगों को वो मदद करते हैं, अनंत चतुर्थी के दिन लोगों को पानी देते हैं, बच्चों को बिस्किट देते हैं, और जो सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं उनके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, और वो हमेशा करते रहेंगे। और गायकवाड़ परिवार के लिए हर एक जो कार्यकर्ता है, इस ज़िले में हो या फिर मुंबई में हो या अभी हो, वो हर जो हमें परिवार का एक हिस्सा है, और इसी तरह हम ये मानते हुए हम ये जो संदीप जी ने एक अच्छा कार्यक्रम लिया है उसके लिए मैंने उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी और मुंबई कांग्रेस के सचिव महासचिव श्री संदीप शुक्ल जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कलाकार को अपने मंच पर बुलाकर आप लोगों ने इतना बड़ा सम्मान दिया। इस गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं मैं, और भगवान के चरणों में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं आप सभी पार्टी के नेतागण, पार्टी के लिए, और आप सभी कार्यकर्ताओं और सभी आप गणेश भक्तों के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं उज्जवल भविष्य के लिए। और यही कहूँगा कि जिंदगी के हर मोड़ पर यादों का एहसास से रहने दें, जिंदगी के हर मोड़ पर यादों का एहसास से रहने दें, शरारत के दिल में जुबा पर मिठास से रहने दें, बस यही हो तरीका जीने का, ना खुद रहे उदास, ना किसी को उदास से रहने दें। ये जो गणेश भक्त और संदीप शुक्ल जी का, इनके नेताओं कार्यकर्ताओं का और आपके बीच का जो इस जो झलक रहा है आज इस गणपति महाराज की विदाई के समारोह पर, यह हर हमेशा हर साल ऐसे ही है, प्रेम आपके प्रति और इनके प्रति एक दूसरे के प्रति आप लोगों में यह झलकता रहे, ऐसी मेरी कामना है। तीसरी पर मेरी भक्ति के श्री शुक्ल विधायक मेरी महिमा है, अपार लांच हुआ है। अच्छा, आप लोगों आप जैसे गणेश भक्तों की वजह से मुझे अच्छा इसमें रिस्पांस मिला है। उसकी लाइन है कि गणपति बप्पा लौटकर आओ, भक्तों का सब कष्ट मिटाओ। मैं समझता हूँ, यह गाना मेरे पापा ने लिखा, कपिल देव भरवार ने कंपोज भी उन्होंने किया। जो 2 साल का जो कोरोना जैसी महामारी आया था, समझिए इसी से दुखी होकर और पापा ने यह गाना लिखा, और हम लोगों ने बनाया गाना, हमारी टीम ने बनाई और आपके बीच में प्रस्तुत किया कि हे भगवान, हे गणेश भगवान, ऐसी महामारी फिर कभी इस पृथ्वी पर नहीं आए कि हम लोग या बुरा देखना पड़े। कि गणपति बप्पा लौटकर आओ, भक्तों का सब कष्ट मिटाओ। गणपति बप्पा लौटकर आओ, भक्तों का सब कष्ट मिटाओ। हमको करते हैं तेरा इंतजार। बप्पा तेरा जय जयकार। यह लाइफ धर्मेंद्र खरवार, आप यूट्यूब से टाइप करेंगे तो तीसरी कंपनी में यह गाना मिल जाएगा। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करके मुझे आशीर्वाद और सुझाव भी आप लोग दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे आने से पहले गाना चल रहा था, लाले पाप लागे लू, ये पवन सिंह भाई ने यह गाना गाया था, यह पूरे विश्व में यह गाना पॉपुलर हुआ था। ये पवन सिंह जो सिंगर है, इन्हीं के साथ हमारी फिल्म है उमरिया गेली तो हरे नाम, अब कभी टाइप कीजिएगा फुर्सत में तो देख लीजिएगा, धर्मेंद्र खरवार नाम आता है पर्दे पे टाइटल में, और उनके साथ फ्रेंड का मैंने रोल किया है। सानिया मिर्जा का नथुनिया जान भरेला, ये गाना बा वो फिल्म में मैं गाना हो जाए। मैं नगर सभा कचरे यादव जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसका बोली जी
भोजपुरी के तरीके को लाइन बनाकर बताओ भैया, सबके ख्वाहिश का ये भाषण दे रहे हैं। यूट्यूब पे भोजपुरी में गाना नहीं है, भोजपुरी समझो ना करना मुंबई में सभी लोग गाना भी मिल गए नया का। वो सबसे पहले गायकी में मैं उतरा था तो सबसे पहला वो गाना मैंने गाया था। हेलो, वो सुन लीजिएगा कि जान मारे हो झुलल रहो, जान मारे हो झुलल रहो, नथुनिए भी जान मारला ये जवानी तोहार, गोरिया हो जान मारला। ये गाना मिलेगा म्यूजिक के साथ, अच्छा लगेगा, एंजॉय कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, धन्यवाद। Hey, listen.